जगह का नाम राजा रानी इसलिए पड़ा कि यहाँ सत्य युग में कुछ ऐसा अनहोनी घटना घटे। तो हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सो गाइस, अभी हम जस्ट ड्यूटी से आए, 4 बजे करीब ड्यूटी से आए और फ्रेश होकर के सोचे थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो हमारे यहाँ देखिए, जैसे कि देख पा रहे गाड़ी में है। हेलो कर दे बेटा, हेलो कर दे, कर हेलो कर। तो हमारा भतीजी जो है बहुत ही जीत कर रहा था कि राजा रानी जाएंगे घूमने के लिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुंदर सा जगह है, तो वही बोला, उस जगह का नाम ही है राजा रानी। तो चलिए आप लोग को जगह दिखाते हैं और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, जैसा कि देख पा रहे हैं, उतना सारा दूरी में जो वहाँ बड़ा बड़ा जो पत्थर रखा हुआ है, उसी जगह पे हम लोग जा रहे हैं। वो जगह बहुत ही अच्छा है देखने में और वो जगह का नज़ारा भी बहुत ही एकदम खूबसूरत है। और ये देखिए, हमारा दोस्त गाड़ी चला रहे हैं बैठ करके और हमारा भतीजी यहाँ है आगे में खड़ी है। देखिए, जैसे कि देख पा रहे हैं और हम पीछे बैठे हुए हैं। जैसा कि देख रहे हैं, कुछ देरी पहले यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुआ था, इसके वजह से रोड में बहुत ज्यादा बारिश है और कच्चा रोड है, यहाँ पर गीली रोड नहीं है। हम लोग फाइनली देखिए पहुंच गए एकदम, जैसा कि देख पा रहे हैं। और चलिए आप लोग को ऊपर का नजारा दिखाते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कैसे चल रही है, देखिए। देखिए ऊपर आ गए हैं आप, चलिए आप लोग को बढ़िया सा नजारा दिखाते हैं। और इस जगह का नाम राजा रानी क्यों पड़ा हम तो उतना नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते, तो चलिए आप लोग को वो भी बताएंगे। देखिए काकी की कुछ बेटा खेल छी, हम लोग ऐसे बंगाली है इसलिए हम लोग घर में जो है कलता बंगला लैंग्वेज ही बोलते हैं इसके कारण से। तो हेलो कर दे, हेलो। देखिए अभी मेरा दोस्त के साथ में बैठी हुई है भतीजी हमारी। देखिए पकड़ पकड़ी चढ़ रहा है, ये जितना भी देख रहे हैं आपको आसपास एरिया है जैसे कि देख पा रहे हैं, और ये सब कॉलोनी सब है। फाइनली हम आपको पूरा जगह दिखा दिए हैं। और गाइस, जगह का नाम राजा रानी इसलिए पड़ा कि यहाँ सत्य युग में कुछ ऐसा अनहोनी घटना घटे थे, इसके वजह से यहाँ का जो निवासी है बोलते हैं कि दूसरे गांव का जो राजा रानी होता था, इस गांव में जो है अपने गांव जा रहा था शादी करके, और क्या हुआ कि बीच में बहुत ही बड़ा घना जंगल पड़ता था, यही वाला जो है बहुत ही बड़ा घना जंगल था। तो इसके बीच में जो जंगल का जो देवता होते हैं वो किसी कारण वजह से जो है, ये तो नहीं मालूम लेकिन इतना सुने कि बोले कि कोई कारण का वजह से जो है कि उन लोगों को बोले थे कि अगर सूरज निकलने से पहले अगर तुम लोग ये जंगल को क्रॉस कर गया तो तुम लोग इंसान रहेगा वरना पत्थर का बन जाएगा। तो चलिए आप लोग को वहाँ पर जो दो पत्थर आपको देख पा रहे हैं बड़ा बड़ा है, वहाँ का आकार दिखाते हैं। फर्स्ट में तो आपने कल हमने दिखाया लेकिन अभी चलिए आप लोग को दिखाते हैं। और वहाँ का आकार देखिए कि आदमी लोग बैठा हुआ और जितना भी पत्थर यहाँ रखा हुआ सब जीवित पत्थर हैं इस तरीका से बोलते हैं, और ये सब बाराती लोग हैं। और वो जो दो पत्थर वहाँ पर है
चलिए आप लोग को दिखाते हैं फिर बताते हैं। सो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं एक पत्थर देखिए बैठने का, जैसे कोई आदमी बैठा हुआ नहीं रहता उस तरीका से एक पत्थर है, और एक पत्थर देखिए उस तरीका से, तो यही दोनों है राजा रानी जो इस तरीका से जो बैठे हुए पैर मोड़ करके वो रानी हो गया, और उसका बगल वाला जो वो राजा हो गया, और बाकी सब बराती है। तो यही आकार से जो है सब आदमी लोग बोलते हैं ये सत्य युग का घटना। ये मुझे भी उतना नहीं मालूम, जितना मुझे जानकारी था उतना मैं आप लोग को बताया हूँ। और ये जगह में जो है आकर के बहुत ही अच्छा लगता, बहुत ही खूबसूरत सा नजारा है जैसा कि मैं आप लोग को दिखा दिया हूँ। और एक चीज यहाँ पर एक नाग देवता का जो है पत्थर का बना हुआ है, तो सचमुच का बोलते हैं कि रात को नाग देवता निकलते हैं और अपना जो भी है खाना वाना खाते हैं फिर हमें चले जाते हैं। तो चलिए वो जगह भी आप लोग को दिखाते हैं। सो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर पूजा वगैरह भी होते हैं यहाँ पर शाम के टाइम में। यहाँ पर देखिए शिवलिंग भी छोटा सा रखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये जो है नाग देवता है, पंचमुखी नाग देवता है। अब चलिए हमारा भतीजी देखिए क्या कर रहे हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो भाई देखिए हमारे भतीजी क्या कर रहे हैं, देखिए छोटा बोल दे टाटा बाय बाय। चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोले, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा बोले। तो भाई चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।